हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि सीनियर सिटीजन्स अगर आपके घर में है तो आपको किस तरह की गाड़ी को लेना चाहिए, परचेज करना चाहिए, उस पर हम बात करना चाहेंगे। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ एंट्री सेगमेंट का, एंट्री में भी मतलब बिल्कुल ही ऑल्टो वाला सेगमेंट नहीं, थोड़ा ठीक ठाक। मान लीजिए आप 7 लाख के बजट में अगर हम देखते हैं गाड़ी, जो यूजुअली अगर कोई गाड़ी लेता है तो एवरेज बजट का चला जाता है, तो उसमें कौन से हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं? वी हैव एन ऑप्शन। एक मैं हर सेगमेंट से गाड़ी लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं डिज़ायर अमेज में से एक बार अमेज को पिक करके रखता हूँ, और सेडान में कॉम्पैक्ट सेडान ही आएगी उस प्राइस में, और फिर हम बलिनो ले सकते हैं प्रीमियम हैचबैक के सेगमेंट में, और हम एक एसयूवी की तर्ज पे, एसयूवी के तौर पे, यू नो, प्योर एसयूवी नहीं कहूँगा मैं उसे, बट हाँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसकी गाड़ी में, टाटा पंच को हम देख लें अगर, जो हैचबैक को एक एसयूवी बनाती है, बट कुछ चीज़ें हैं उसमें एसयूवी वाली, हाई सीटिंग पोजिशन, ग्राउंड क्लियरेंस, सस्पेंशन, यू नो, लुक्स, इन तीन गाड़ियों को हम रखते हैं, लगभग 7 लाख कीमत में आ जाती हैं, यू नो, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। तो उसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सीनियर सिटीजन के लिए कौन सी लेनी चाहिए? अनडाउटेडली ऑफकोर्स आपको एक पंच की ओर देखना चाहिए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है इंग्रेस अग्रेस, यू नो, जब गाड़ी में बैठते हो उतरते हो, सीनियर सिटीजन के उस पर आपको थोड़ा, यू नो, झुकने में, कमर में आपको दिक्कत होती है अगर आप सेडान या बलिनो में बैठोगे, यू नो, अमेज में छोटी हाइट की गाड़ियाँ हैं, एट द सेम टाइम आपको घुटनों में दिक्कत होती है, तो इट शुड बी वेरी कम्फर्टेबल के कैन जस्ट वॉक इन थ्रू द कार, यू नो, ग्लाइड थ्रू कर जाएँ, ज़्यादा झुकना नहीं पड़े, स्पेशली जब वो उतरते हैं तो घुटने में स्ट्रेच पड़ता है, उनको उठना पड़ता है। इस वजह से मैं रिकमेंड करता हूँ आपको वैसी गाड़ी लेनी चाहिए टाटा पंच की जैसी, और अगर आप ऊँची बड़ी गाड़ी लेते हैं, कोई पैसा आपके पास और अच्छा है, तो फिर यू नो यू शुड कंसिडर एन एसयूवी, चाहे वो क्रेटा हो, चाहे वो सोनेट हो, XUV300 हो, नेक्सॉन हो, जो भी हो, वो एक बात है। उसके अलावा ऑफकोर्स वी हैव दोज काइंड ऑफ एडवांटेजेस के फैशन में ज़्यादा है, यू नो, इसका चलन है, मार्केट है, काफ़ी सालों से बढ़ गया है और अभी कुछ सालों तक, हालांकि आई बिलीव कि कहीं ना कहीं जब रोड कंडीशंस थोड़े इंडिया के इंप्रूव हो जाएंगे तो सेडान्स का भी अपना चार्म, लुक होता है, मज़ा होता है, बट फॉर द टाइम बीइंग अभी कई सालों तक तो एसयूवीज का ही दबदबा रहने वाला है। तो वो एक बात है, आपको अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, वाटर लॉगिंग में इजी होता है, डिफिकल्ट टेरेन्स पे इजी होता है, हाई सीटिंग पोजीशन होती है, इंग्रेस अग्रेस तो मैंने बैठाई बोला ही आपको, जो बैठना उतरना इजी होता है गाड़ी में, तो वो कुछ बातें हैं, और रॉक पड़ता है थोड़ा, यू नो, यू फील दैट कमांडिंग वाली थिंग, तो इसलिए वैसी गाड़ियाँ, पंच की जैसी गाड़ियाँ ज़्यादा बिक रही हैं, और क्योंकि एसयूवी का चलन और बहुत प्रैक्टिकल गाड़ियाँ हैं और अफोर्डेबल प्राइसेस में आ जाती हैं, तो वो एक कहना है और वो एक रिकमेंडेशन है मेरा कि आपको उस तरह की गाड़ी को लेना चाहिए, स्पेशली कंसिडरिंग सीनियर सिटीजन्स, और इन्हीं कुछ कारणों से ये गाड़ियाँ ज़्यादा बिक रही हैं ओवर द हम बात करें कॉम्पैक्ट सेडान। हालांकि इस सेगमेंट में मुझे अगर कोई गाड़ी लेनी होती तो मैं शायद बलिनो को लेता, क्योंकि मुझे फीचर्स उसके बेस मॉडल में ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, गाड़ी फ्रेश होकर आ गई, रिफ्रेश, यू नो, लुक्स, चलाने में, माइलेज में, और इंजन में जो परफॉर्मेंस है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये मारुति का जो इंजन है 1.2 लीटर का, अगर ये पंच में लग गया होता, किलर कॉम्बिनेशन होता, किलर कॉम्बिनेशन पंच का, क्योंकि जो इंजन है ना थोड़ा लथार्जिक है, माइलेज भी नहीं है, मज़ा भी नहीं है, ट्रस्ट मी, बट डीजल जो आएगा, प्राइस डिफरेंस लगभग 1.5 लाख रुपए का होगा, जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर आपकी रनिंग नहीं है उतनी तो, और टर्बो पेट्रोल भी आएगा तो 70-80 हज़ार रुपये ज़्यादा है, तो लोग इसी को लेना पसंद करते हैं कि जिन्हें इतना शौक नहीं ड्राइविंग का, तो दे आर हैप्पी विद इट, वो एक बात है। तो मैं पर्सनली शायद बलिनो लेता इस बजट में अपने लिए, बट अब मैं अपने ग्रैंडफादर बाबा के लिए मैं गाड़ी हम खरीदना चाह रहे हैं, मतलब वो खरीदेंगे, मैं क्या खरीदूंगा, सब उनका है, बट फॉर हिज यूज़, उनके पर्पज़ के हिसाब से वी आर प्लानिंग टू बाई टाटा पंच, तो वही एक बात है, जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू गाइज। अपना ध्यान रखें, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, जय हिंद।